इरफान जुनेजो, आई कैन नॉट लेट गो ऑफ यू। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था हाउ टू फाइंड योर ओन वॉइस, और उस वीडियो पे अबे क्या हुआ है? और उस वीडियो पे पहला कमेंट जो मुझे मिला वो ये था, व्हाट द हेल। अब मसला ये है कि मैंने इरफान जुनेजो को इतना देखा है, लेटे हुए देखा है, बैठे हुए देखा है, चलते हुए देखा है, खाते हुए देखा है, पीते हुए देखा है। मैंने इरफान जुनेजो को इतना देखा है जितना देखा जा सकता था, आखिर दो आँखों से कितना देखा जा सकता था। तो हम चले थे अपनी आवाज़ ढूंढने, और आवाज़ ढूंढते ढूंढते हम फिर से पहुंच गए इरफान जुनेजो के पास। तो इस बात से साबित ये हुआ कि हम जिस चीज़ से बचने की ज़्यादा कोशिश करते हैं एंड पे हमारे साथ हो वही रहा है। और ये जो कमेंट था ना, ये स्पेशल वाला, ये मेरा एक दोस्त है जलाल, उसका नाम है जलाल हैदर, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ जलालुद्दीन अकबर। तो वही ऐसे कमेंट करता है, कभी कभी कोई मोटिवेटिंग कमेंट भी कर देता है, लेकिन ज़्यादातर उसके ऐसे ही होते हैं। लेकिन अच्छा है, उसके कमेंट ने मुझे कॉन्टेंट दे दिया। हेलो जी, आज का शूट ख़त्म हो गया, शूट क्या प्रैक्टिस शूट था, और उसके साथ साथ सूरज भी ग़ुरूब हो चुका है ऑलमोस्ट। इसके साथ तीसरी बात ये हुई है कि ये रियलाइजेशन हो गई है कि मैं जितनी कोशिश कर लूँ ट्राई टू फाइंडिंग माय ओन वॉइस, अपना स्टाइल बनाने की, लेकिन ये टाइम लेगा। जितना माइंड में मेंटली तौर पे मैं छाप चुका हूँ इरफान जुनेजो को, वो जल निकलने में टाइम लगेगा। मच्छर भी काट रहे हैं, तो जल्दी नहीं है। एक दो दिन मैं बीच में ब्रेक ले लिया इसी वजह से कि क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि अपना स्टाइल करूं या किस टाइप की वीडियोस बनाऊं। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इट विल टेक टाइम, सो जस्ट कीप मेकिंग इट। चाहे इरफान जुनेजो को छाप रहा हूँ, किसी नाइस टाइट को छाप रहा हूँ, या किसी और को छाप रहा हूँ। और एक ख्वाब है कि एक दिन आएगा जब इरफान जुनेजो के साथ कोलैबोरेट होगा, अपने आइडल के साथ, अपने आइडल के साथ, अपने गुरु के साथ। और एक दिन वो होगा कि इरफान जुनेजो को पता होगा कि एहसास जिस कहानी एक कोई बंदा है जो उसको फॉलो करता है।